हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में आपको पाठ दे रहे हैं। अंग, बड़ा अंग होता है ना, चांद बिंदु। अनुनासिक यानी कि नासिका से आवाज आती है, जो हम इसकी मात्रा की आवाज निकालते हैं। तो किसी भी अक्षर पर जब ये मात्रा लगेगी तो आपको अभी मैं बोलकर बताऊंगी तो कैसी उसकी ध्वनि निकलती है। तो चांद बिंदु का प्रयोग आज हम करेंगे और शब्द बनाएंगे। म पे छोटे ऊ की मात्रा, मुंह ऊपर चांद बिंदु लगाया म पे, फिर ह, मुंह। तो देखो थोड़ी नाक से आवाज निकली है। बड़ा ऊ चांद बिंदु ट, ऊट। तो वैसे कैसी आवाज आती है अगर चांद बिंदु ना होता तो? ऊट। तो कैसी आवाज आ रही है? ऊट। पा में बड़े ऊ की मात्रा, पू, फिर ऊपर चांद बिंदु, फिर छ। तो प में ऊ की मात्रा भी है। ये दो मात्राएं ऐसी हैं जो अंग की बिंदी और या चांद बिंदु दो मात्राओं के साथ इकट्ठा लग सकते। जैसे मात्रा आ की लगी हो, ऊ की लगी हो, ए की लगी हो, तो उस पर आवाज आती है पूंछ। अगर चांद बिंदु हटा दें तो क्या बन जाएगा? पूछ, जो हम किसी से कोई बात पूछते हैं, पूछ। और ये पूंछ जानवरों की पूंछ होती है ना, तो वो। बा में बड़े ऊ की मात्रा, बू, ऊपर चांद बिंदु, बूंद, बूंद। का में छोटे ऊ की मात्रा, कु, बड़ा आ, ऊपर चांद बिंदु, आ। चाहे आ के साथ मात्रा आए तो उसकी आवाज कैसी आएगी? थोड़ा मुंह खोल कर, तो लेकिन निकलेगी कहां से? गले से ही, कुआं। धा में छोटे ऊ की मात्रा, धू, बड़ा आ, फिर चांद बिंदु, धुआं। ग पे आ की मात्रा, गा, ऊपर चांद बिंदु, गा, व, गांव। छ में आ की मात्रा, छा, ऊपर चांद बिंदु, छा, व, छाव। ल के ऊपर चांद बिंदु, लंग, ग, ड़ पे आ की मात्रा, ड़ा, लंगड़ा। बड़ा आ, ऊपर चांद बिंदु, आ, च, ल, आंचल। च पे आ की मात्रा, चा, ऊपर चांद बिंदु, चा, द, न पे बड़ी की मात्रा, नी, चांदनी। ह के ऊपर चांद बिंदु, हंस। अभी हंस भी बन सकता है और आगे न पे आ की मात्रा है ना, हंसना। अ के ऊपर चांद बिंदु, अंग, ग में बड़े ऊ की मात्रा, गु, ठ में बड़ी की मात्रा, ठी, अंगूठी। म में बड़े ऊ की मात्रा, मू, ऊपर चांद बिंदु, मूंग, मूंग। फ, ल पे बड़ी की मात्रा, ली, फली, मूंग फली। दोनों को अलग भी कर सकते हैं, जैसे मूंग, मूंग क्या होते हैं? दाल होती है एक, फली सब्जी होती है, जैसे फली कोई भी हो। तो दोनों को हमने मिलाया तो ये मूंगफली। आप बच्चे खाते होंगे मूंगफली को, पता है आपको। अ के ऊपर चांद बिंदु, अंग, अंग, ड़ पे आ की मात्रा, डा, बड़ी ई, अंगड़ाई। म, ह, ऊपर चांद बिंदु, महा, ग में आ की मात्रा, गा, ई, महंगाई। अब ये ऊंट की पिक्चर दी है और ये अंगूठी की पिक्चर दी है, तो बीच में भी आया है ऊंट, यहाँ पर अंगूठी भी आया है। तो आप बच्चों को शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जोड़ जोड़ कर। अब पढ़ेंगे, माँ ने चांदनी के लिए लहंगा खरीदा, लहंगा बहुत महंगा था। लहंगा पहनकर चांदनी सांची के साथ चांदनी चौक गई। चांदनी चौक एक जगह का नाम है, और खाली चांदनी हो तो एक लड़की का नाम है और सांची भी लड़की का नाम है। माँ ने चांदनी के लिए क्या खरीदा? लहंगा। लहंगा कितना महंगा था? बहुत महंगा। लहंगा पहनकर चांदनी किसके साथ गई? सांची के साथ गई। कहाँ पर गई? चांदनी चौक गई।
देखो इस दो लाइनों में कितने सारे प्रश्न बन गए और उनके उत्तर भी इसी के अंदर हैं। अब आओ गुनगुनाई। कविता है ऊंट के ऊपर। गांव में एक ऊंट आया, आया ऊंट, ऊंट की थी छोटी पूंछ, 5 घंटियां पांव में, नाचे ठंडी छांव में, दाएं पांव में चुभ गया कांटा, फिर भी ऊंट जोर से नाचा। अब गांव में कौन आया? ऊंट। ऊंट की पूंछ कैसी थी? छोटी थी। ऊंट के पैर में कितनी घंटियां थी? 5। ऊंट कहाँ पर नाचा? ठंडी छांव में। दाएं पांव में ऊंट को क्या चुभ गया? कांटा। ऊंट कैसे नाचा? जोर से। या जोर से कौन नाचा? ऊंट। ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं और हम फिर उनके उत्तर दे सकते हैं। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास मौखिक यानी कि ओरल होते हैं, तो ये प्रश्न 3 दिए गए हैं। तो जो प्रश्न यहाँ दिए गए हैं वो किताब में उनके उत्तर हैं इस पाठ के अंदर। चांदनी किसके साथ चांदनी चौक गई? तो इसका उत्तर है सांची के साथ। बस ओरल में देना है तो आपने इतना ही बताना है। ऊंट के पाँव में कितनी घंटियां थीं? तो ऊंट के पाँव में कितनी की जगह क्या आ जाएगा? 5 घंटियां थीं। ऊंट के पाँव में कितनी घंटियां थीं? तो उत्तर दीजिए ऊंट के पाँव में 5 घंटियां थी। 5 पे भी चांद बिंदु आना है, घंटियों पर। देखो कितने शब्दों में चांद बिंदु आया? ऊंट पर, पांव पर, फिर 5 पर भी आना है, फिर घंटियां थी। जोर से कौन नाचा? तो उत्तर फिर क्या लिखेंगे? जोर से कौन की जगह क्या आ जाएगा? ऊंट। जोर से ऊंट नाचा। प्रश्न के बाद प्रश्न चिन्ह लगा होता है और जब हम उत्तर लिखते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं। अब लिखित कार्य करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब ये वाक्य पढ़ेंगे फिर इसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। माँ ने चांदनी के लिए क्या खरीदा? तो आपने पढ़ा है ना, क्या खरीदा? लहंगा। ऐसे लिखना है। गांव में कौन आया? कौन आ गया था? कविता में पढ़ा है ऊंट। गांव में कौन आया? ऊंट। ऊंट के दाएं पांव में क्या चुभ गया? क्या चुभ गया था? कांटा। तो ये उत्तर हमने एक शब्द में लिख दिए। अब चित्र देखकर शब्द लिखने हैं, ठीक है? ये क्या है? सांप। इसमें सब में क्या आएगी? चांद बिंदु वाली मात्रा। सांप। ये क्या दिख रहे हैं? दांत। सभी के दांत होते हैं, जानवरों के भी, मनुष्यों के भी, और मनुष्य तो दांत साफ करते हैं। ये क्या दिख रहा है? चांद। और ये क्या है? आंख। और ये क्या है? अंगूठी। अंगूठी। अब ये सोचो क्या है? कोई बच्चे कहेंगे पर्दा है, कोई कहेगा तौलिया है, कोई दुपट्टा। हमने पाठ में पढ़ा है, बताएं क्या है? आंचल। दुपट्टे को आंचल भी कहते हैं। आंचल। यह है ऊंट। और ये क्या है? बांसुरी। बांसुरी। तो ये चित्र देखकर हमने शब्द लिखे हैं। अब सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरेंगे। दो खाली स्थान दिए और यहाँ दो ऑप्शन दिए। माँ ने डैश खरीदा। क्या खरीदा? लहंगा या महंगा? महंगा तो था लेकिन खरीदा क्या? लहंगा।
ऊंट ठंडी डैश में नाचा, छाव या पाँव? पाँव से तो नाचते हैं, तो किस ठंडी के साथ क्या आएगा? छाव। ठंडी छाव में नाचा। तो ये पूरा अभ्यास करें, आपको अपनी कॉपी में करना है और पूरा पाठ भी पढ़ना है, ठीक है बच्चों? ओके बाय।